हेलो एवरीवन, मैं हूं जयप्रकाश और आपका स्वागत है केबीसी में क्लाम बायोलॉजी क्लासेज में। ये वीडियो है हमारा रेस्पिरेशन पार्ट 5, जिसमें हम करेंगे पीटर मिशेल का रसायनी परासरणी सिद्धांत और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया और अन्य जो श्वसन संबंधी प्रक्रियाएं हैं उनकी हम चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे। पीटर मिशेल सन 1961 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो इसकी झिल्ली है दो, बाहरी और आंतरिक, या फिर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हो, ये भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इसमें इस प्रकार सिक्के के समान थेलिकॉइड्स होते हैं इस प्रकार, और ये जुड़े रहते हैं अन्य ग्रेनम से। हमने ये किया था पिछली वीडियो में। यदि आप चाहें तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में श्वसन और रेस्पिरेशन के जो वीडियो हैं वो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली के आर पार जो प्रोटॉन्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन है, उनका गमन होता है। उसका कारण क्या है कि जो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो एंजाइम होते हैं, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम्स के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और उन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही ये जो प्रोटॉन्स हैं इनकी झिल्ली के जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, इन प्रोटॉन्स का इन झिल्ली के आर पार गमन हो जाता है। अब हमने श्वसन में देखा कि जो आंतरिक झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। तो हमने देखा था वहां पर इलेक्ट्रॉन ETS में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी प्रोटॉन थे, वो यहां से यहां गमन कर रहे हैं। तो यहां क्या हो रहा था, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही थी, यानी कि यहां पर pH का मान कम हो रहा था, कहां, यहां, और यहां pH का मान अधिक हो रहा था। तो ये pH के मान में अंतर आ रहा था और इससे विद्युत विभव में भी अंतर आ रहा था। तो पीएच के मान में अंतर, पीएच में अंतर, तो पीएच में जब अंतर हो गया तो पीएच की सांद्रता में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आने से प्रवणता उत्पन्न हुई। प्रवणता मतलब ग्रेडियंट, यानी कि एक क्रमबद्ध गिरावट या क्रमबद्ध चढ़ाव। दूसरा इसमें है कि पीएच में जब अंतर आया, क्योंकि प्रोटॉन्स की जो ग्रेडियंट है उनमें अंतर आया, तो किस में अंतर आएगा, विद्युत विभव में भी अंतर आएगा। दोबारा समझ लीजिए, एक बार दोबारा बता देते हैं कि जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो इनके एंजाइम के कारण इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है और उन प्रवाह के कारण क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन प्लस आयन है ये झिल्ली के आर पार, आंतरिक झिल्ली के आर पार पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले जाते हैं, जिसके कारण यहां हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक हो जाती है। और उन हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होने के कारण दो घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो इन दोनों झिल्ली, इस झिल्ली के दोनों ओर पीएच के मान में अंतर, यानी कि प्रवणता उत्पन्न होना, और एक विद्युत विभव में अंतर, यानी कि प्रवणता पैदा होना। इसके कारण क्या होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स वो बल है जो इन प्रोटॉन्स को पुनः इस झिल्ली में लाने के लिए उत्तरदायी है। और प्रोटॉन्स मोटिव फोर्स हैं जो क्या करता है, इन प्रोटॉन्स को इस झिल्ली की ओर लेके आता है और परासरण, जो प्रवणता है, पीएच में जो अंतर है और विद्युत जो विभव है उसको पुनः संतुलित करता है और साम्यावस्था में लाता है, जिसके कारण क्या होता है,
जिसे झिल्ली में यहाँ पर ये दोबारा अब यहाँ पर गया हुआ है, तो हम पुनः इसको यहाँ लेकर आएंगे। इससे फिर क्या होगा, जो ए डी पी और जो पी आई है वो पुनः बदलते हैं ए टी पी में, और इसे ही पीटर मिशेल का रसायन परासरणी सिद्धांत कहते हैं। और शॉर्ट में इसका यही है कि विभिन्न एंजाइम्स के इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण जब प्रोटॉन झिल्ली के आर पार हो जाते हैं तो वहाँ पर पीएच के मान में और विद्युत विभव में अंतर आता है, जिससे प्रोटॉन मोटिव फोर्स पैदा होता है और वो प्रोटॉन पुनः अंदर की झिल्ली में आते हैं और एडीपी और पीआई से मिलकर यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं। यह है पीटर मिशेल का सिद्धांत, या फिर कहें कि पीटर मिशेल का रसायन परासरणी सिद्धांत। अब हमारा अगला टॉपिक है किण्वन यानी फर्मेंटेशन। किण्वन की प्रक्रिया क्या है, इसमें जो C6H12O6 हमारा जो ग्लूकोज मेन कंपोनेंट है वो बदलता है CO2 प्लस यह है C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल में। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में CO2 और C2H5OH में टूटता है तब यह प्रक्रिया जो है किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कहलाती है। और सबसे पहले इस प्रक्रिया को पाश्चर ने 1857 में यीस्ट में खोजा और 1897 में पाश्चर ने इसको खोजा और 1897 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बुकनर, इन्होंने यीस्ट कोशिकाओं से यीस्ट कोशिकाओं से इन्होंने जाइमेज एंजाइम अलग किया था और इन्होंने बताया था कि ग्लूकोज से एल्कोहल बनने के लिए यानी कि किण्वन क्रिया करने के लिए जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जाइमेज इसे बिना किसी जीवित माध्यम के भी परफॉर्म कर सकता है या संपन्न कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे किण्वन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। तो किण्वन के प्रकारों में सबसे पहले है एल्कोहलिक किण्वन। इसमें क्या होता है, पायरुविक अम्ल पहले टूटता है एसीटल्डिहाइड में और CO2 में, पायरुविक अम्ल डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। किसमें टूटता है, पायरुविक अम्ल टूटता है एसीटल्डिहाइड और CO2 में टूटता है पायरुविक अम्ल डीकार्बोक्सिलेज की एंजाइम की उपस्थिति में, और इसके बाद यह एथिल एल्कोहल में बदल जाता है यानी कि C2H5OH में बदल जाता है एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और यहाँ बनता है NADH+ आयन से NAD बनता है। ये है एल्कोहलिक किण्वन। अब हम करेंगे लैक्टिक अम्ल किण्वन। अब हम ये देखते हैं कि जो एल्कोहलिक किण्वन है ये कुछ कवकों में जीवाणु कोशिकाओं में होता है, यानी वहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल एसीटल्डिहाइड और एथिल एल्कोहल में टूटता है। ये कवकों और जीवाणुओं में पाई जाने वाली प्रक्रिया है। तो अब टॉपिक है हमारा जो अगला किण्वन का प्रकार है लैक्टिक अम्ल किण्वन। तो इसमें क्या होगा, जो पायरुविक अम्ल है वो टूट जाएगा लैक्टिक अम्ल में, और ये जो लैक्टिक अम्ल में टूटा है ये जो है
यहाँ पर बनाएगा एन ए डी एच प्लस आयनों से एन ए डी प्लस, और ये प्रक्रिया होगी लैक्टिक अम्ल डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। और ये जो लैक्टिक अम्ल किण्वन है ये पाया जाता है एक तो लैक्टोबैसिलस में, लैक्टोबैसिलस में जो दूध को दही में बदलता है उसमें पाया जाता है। एक और जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम में पाया जाता है। इसके अलावा जो मानव की मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां क्या कैसे मांसपेशियों में कि जब हम व्यायाम करते हैं यानी कि एक्सरसाइज करते हैं तो व्यायाम के दौरान क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ पर पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में टूटता है, और यही कारण है कि व्यायाम करने के कुछ देर बाद हमारी मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होती है या दर्द होता है, वो दर्द लैक्टिक अम्ल बनने के कारण होता है। लेकिन जब हम व्यायाम को छोड़ देते हैं तो वही लैक्टिक अम्ल हमारी जो है लीवर में चला जाता है, और लीवर में जाके वो पुनः पायरुविक अम्ल और ग्लूकोज में बदल जाता है जिससे वो दर्द हमारा पुनः जो है समाप्त हो जाता है। तो ये मांसपेशियों भी लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टोबैसिलस जो दूध से दही बनाने वाला वो भी, और क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु ये लैक्टिक अम्ल प्रकार का किण्वन करते हैं। अगला जो हमारा किण्वन है वो है एसिटिक अम्ल किण्वन। इसमें क्या होता है एसिटिक अम्ल किण्वन, इसमें जो पायरुविक अम्ल है पायरुविक अम्ल है ये टूट जाता है ऐसी एसीटैल्डिहाइड प्लस CO2 में, और फिर ये टूटता है एसिटिक एसिड में। यहाँ पर एक जल के अणु का संयोग होता है और हाइड्रोजन आयन यहाँ दो निकलते हैं। इस प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल एसिटाल्डिहाइड में और CO2 में टूटकर आगे पुनः एसिडिक एसिड में बदल जाता है, और ये जो प्रक्रिया है ये होती है एसिटोबैक्टर एसिटाई में, एसिटोबैक्टर एसिटाई में। अगला जो हमारा किण्वन है वो है चौथा ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। इसमें क्या है जो पायरुविक अम्ल है, इसको मैं डायरेक्ट शॉर्ट में ले लेता हूं, जो पायरुविक अम्ल है वो बदलता है एसिटो एसिटिक अम्ल में और बाद में बदलता है ब्यूटायरिक अम्ल में, और यहां पर एक जल के अणु का संयोग होता है और एक CO2 का अणु निकलता है। यहां पर एक H2O के अणु का निकास होता है और 4 हाइड्रोजन प्लस आयन का संयोग होता है। तो इस प्रकार पायरुविक अम्ल है वो एसिटो एसिटिक अम्ल में और ब्यूटायरिक अम्ल में बदलता है।
ब्यूटाइलिक अम्ल किण्वन जो है वो बेसिलस जो है बेसिलस ब्यूटायरिकस नाम के जीवाणु, एक तो है बेसिलस बेसिलस ब्यूटायरिकस जीवाणु और एक है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकस जीवाणु। ये दो जीवाणु ऐसे होते हैं, बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें पायरुविक अम्ल से एसिटो एसिडिक अम्ल और ब्यूटायरिक अम्ल बनकर ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किण्वन में क्या है कि जो पायरुविक अम्ल है यानी ग्लूकोज से जो पायरुविक अम्ल बना है, इस पायरुविक अम्ल से एसिटल कोएंजाइम ए और H2 और CO2 बनने की बजाय या तो बनता है C2H5OH या अन्य बनते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या बनते हैं? कार्बनिक अम्ल बनते हैं। ये हमारी किण्वन की प्रक्रियाएं थी चार प्रकार की, जिनमें हमारा था पायरुविक अम्ल जो एल्कोहलिक किण्वन था, उसके बाद में लैक्टिक अम्ल किण्वन था, उसके बाद में एसिडिक एसिड का किण्वन था और फिर है ब्यूटायरिक अम्ल का किण्वन था। और आगे की वीडियो में हम करेंगे एक HMP पथ जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं PP पथ, यानी कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथ या फिर कहेंगे हमें पेंटोज फॉस्फेट पथ। और इसके अलावा हम एक टॉपिक और हमारा बचा है रेस्पिरेशन में, वो है श्वसन गुणांक, उसके बारे में हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।